नाद की महफिल नफिक करने का मकसद यही है कि आज हमने कितनी बेहतरीन नातें सुनी। तो नात सुनने और नात कहने का ज़ौक पैदा करने के लिए ये महफिलों का सिलसिला गुज़िश्ता 3 सालों से जारी है। और आज ईद मिलादुन नबी है, हम देख रहे हैं कि बिरादरान इस्लाम अपने अपनी पसंद के मुताबिक ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। मैं किसी के एहतमाम का जवाब नहीं पूछूंगा, उनकी अपनी पसंद है, चाहे वो खाना खिलाएं, चाहे वो दीवारों को, घरों को, महल्लों को, चौराहों को सजाएं, नाते रिकॉर्डों में बजाएं, जो उनको अच्छा लगे वो कर रहे हैं और हमको जो अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं। और ये सारे बिरादरान मिल्लत, बिरादरान इस्लाम सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी या जश्न मिलादुन नबी मनाते हैं, लेकिन हम सब खुश नसीब है कि हम 28 सफर से आज तक भी हर रोज ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं और इंशाल्लाह इस माह के इख्तिताम तक भी मनाएंगे। कि इस महफिल के इनेकाद के बारे में अभी बहुत सारी बातें हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में बहुत सारे अशआर भी पढ़े गए। अभी भी लोग इस मुगालते में हैं कि नबी बशर हैं या उनको इल्म गैब है या नहीं है, इस तरह के बहस में पड़े, जबकि नबी के मुकाम को समझने की जरूरत है। तो देखिए कि चश्मे अकवाम अबद तक ये नज़ारा देखे, चश्मे अकवाम अबद तक ये नज़ारा देखे, शान रफाना लका जिक्र देखे। और ये शेर देखिए कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पर उड़ता है भरेरा। आज हम यहाँ झंडे लहरा रहे हैं, नबी का झंडा तो अर्श पर उड़ रहा है और नबी का जो मुकाम है देखिए, आपका इस्म जो है वो मोहम्मद और अहमद और महमूद है। महमूद क्या है? मुकाम महमूद है। वो मुकाम महमूद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हश्र के दिन अपने बाएं जानिब सरकार को उठाए, ये मुकाम महमूद। और अहमद क्या है? तारीफ करने वाला, खूब तारीफ करने वाला। किसकी तारीफ? अल्लाह की तारीफ करने। और मोहम्मद जो है जिसकी खूब तारीफ की गई, तो ये मुकाम मोहम्मद है। हमारे एक दोस्त शायर हैं नूरुद्दीन नूर साहब, उन्होंने एक किताब शायद की है, मैं भी उसमें शरीक हुआ था। तो उस किताब का नाम उन्होंने रखा है नर शमसा कल की अवतार मत्तू हजरत मोहम्मद, ये उन्होंने रखा है। और हुजूर की आमद का जिक्र सिर्फ अंबिया ने ही नहीं किया, आसमानी किताबों में ही नहीं है, बल्कि हर किताब में जो दुनिया में लिखी गई उसमें हुजूर की आमद का जिक्र। और ये जो नर शमसा कल की अवतार जो कहा गया, ये हुजूर की तरफ ही इशारा है। और मैं आपको बताऊं कि देखिए कि डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय और दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद में लिखा है कि शम्स किसको कहते हैं? शम्स वो है जिसकी तारीफ की गई। अभी मोहम्मद के बारे में, तो शम्स वो है, शमसा जिसकी तारीफ की गई। और जो नर है वो इंसान है, नर शमसा वो इंसान जिसकी तारीफ की गई। तो ऐसी बहुत सी बातें उसमें मौजूद हैं, तो मैं यहाँ पर तफसील से में जाने के बजाय बस इतना ही कहूँगा कि हदीसे अभी मैंने आयत पढ़ी और अफान अल्लाह का जिक्र, यानी खुद नबी का जिक्र बुलंद किया। कैसे बुलंद किया? हदीसे कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जहाँ और जब जब मेरा जिक्र होगा वहाँ तब तब मेरे हबीब का भी जिक्र होगा। तो आज जो जिक्र नबी का हम कर रहे हैं, ये एक जरिया हम बने हुए और अफान अल्लाह का जिक्र,
उसको बुलंद करना। तो बहुत खाद्य मुबारकबाद है तमाम शोरा जो हमारे इस नाथ के कारवान में शामिल है और ये सिलसिला चल रहा है। इंशाल्लाह हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस माह के खत्म तक ये सिलसिला जारी रहे। पिछले साल हमने 11 नातिया मुशायरे मुनक़िद किए थे, उससे कबल भी कोविड का दौर था और फिर लॉकडाउन था, तो लोग बड़े जश्न मिलादुन्नबी के एहतमाम में परेशान थे कि क्या किया जाए, जुलूस भी नहीं निकाला जा रहा था। उस वक्त हमने ये नातिया मुशायरों का सिलसिला शुरू किया था और आज भी जुलूस नहीं निकाला जा रहा है, तो लोगों में एक अजीब बेचैनी थी। लेकिन आज मौलाना मोहम्मद नूर साहब के मकान पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से नातिया मुशायरा हुआ, फिर मगरिब के बाद हसीदा बुर्दा शरीफ की महफिल हुई, फिर अब यहाँ ईशा के बाद ये महफिल नाम की मुनाकिद हुई। तो ये बहुत ही आज 3 प्रोग्राम नात के हवाले से हुए, बहुत खुशी की बात है। और रही बात जैसा कि मैंने कहा कि लोग अपनी अपनी पसंद के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम कर रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि हम सीरत से जुड़कर ईद मिलादुन्नबी जश्न मिलादुन्नबी मनाएं। उसी वक्त हमको सीरत का जो फैजान है वो हासिल होगा। मौलाना मोहम्मद नूर साहब ने बहुत अच्छी बात रखी और मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि सीरत जो है वो ना तकरीर करने का मौजू है, ना सुनने का मौजू है, ना सवाब का जरिया है। सीरत जो है वो अमल करने के लिए। अगर हम आज हम सीरत पर अमल नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि आज लोग सीरत के प्यासे हैं लेकिन उन तक सीरत नहीं पहुंचा रहे हैं। और फिर सुबह में ही मैंने वो शेर पढ़ा कि तुम नबी को तकसीम ना करना, जितने नबी तुम्हारे उतने नबी हमारे। तो हम अपने बिरादरान वतन तक सीरत का पैगाम नहीं पहुंचा रहे। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि देखिए इस्लाम जो फैला है वो सिर्फ नबी की सीरत से फैला है और आपके अखलाक करीमाना से फैला है। तो आज हमारे अंदर वो अखलाक करीमाना नहीं है, हम नबी के अखलाक को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जितने भी हमारी सरगर्मियां हैं उसको जायजा लेना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर क्या क्या फरमाया। सहाबा का ये आलम था अभी कि वो कोई काम नया कुछ उनके सामने आता तो इस ये गौर करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया है या नहीं। किसी वली का मैं नाम बोल रहा हूँ, उनके सामने जब खरबूजा पेश किया गया तो उन्होंने खाना ही नहीं, वो तरबूज खाया ही नहीं, तरबूज खाया ही नहीं। जब लोगों ने पूछा कि आप क्यों नहीं खा रहे तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि सरकार ने ये खाया है या नहीं। और आज हमारा आलम देखिए कि हम हर चीज सरकार के हवाले से कर रहे हैं जबकि हम उसकी तहकीक ही नहीं कर रहे कि इस काम को सरकार ने किया है या नहीं। ये हमारे में आज खामी है, हर काम हम सरकार के हवाले से कर रहे हैं लेकिन हम ये गौर नहीं कर रहे कि सरकार ने वाकई ये काम किया है या नहीं। और सवाब की नियत से इश्क के दावे के साथ और के अपनी मोहब्बत का मुजाहरा करने के लिए हम सरकार के नाम से ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि हमको गौर करना चाहिए कि वाकई सरकार ने ये काम किया। जो काम सरकार ने किया उस पर हमारी तवज्जो ही नहीं है। जो बुनियादी काम है, देखिए एक बुनियादी फार्मूला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुश्मनों को माफ किया। आज हम में ये सुन्नत कहाँ है? हम दुश्मनी बढ़ाने वाले हैं। जब हम अपनों में ही दुश्मनी बढ़ाएंगे तो फिर बिरादराने वतन तक कब पहुंचेंगे? आज नफरत जो बिरादराने वतन की हमारे लिए है, हमारे पास भी उनसे ज्यादा नफरत अपने बिरादरान के लिए है। हम में और उनमें क्या फर्क है बताइए? हम मोहब्बत का पैगाम देने वाले, हमारे नबी मोहब्बत की तालीम देने वाले और हमको भी मोहब्बत की तालीम देना चाहिए।
आज हम यहाँ कितने लोग बैठे हुए, हम ये अहद करके यहाँ से उठे कि हम नबी की एक सुन्नत को इख्तियार करें। मैं 100 सुन्नतों या 40 सुन्नतों का आपसे मुतालबा नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये बात, आप सगर शरीफ आए थे सूफी साहब, वहां भी मैंने ये बात कही थी कि मैं आपसे सिर्फ एक चीज चाहता हूँ। मैंने कहा था कि हम एक नेकी बैंक खोलेंगे, बहुत सारे बैंक तो खोलते हैं, तो मैंने कहा था कि हम एक नेकी बैंक खोले हैं, उसमें आप कोई रुपया पैसा डिपॉजिट मत कराइए, सिर्फ एक काम कीजिए कि एक गुनाह छोड़ने का अहद कीजिए, एक गुनाह, तो आपके बैंक में नेकियां बढ़ती जाए, वही बैंक आपके काम आने वाला है आखिरत में। तो आज हम यहाँ से अहद कर जाएं कि नबी की एक सुन्नत, अपनी पसंद से आप एक सुन्नत को इख्तियार कीजिए, एक सुन्नत को जिंदा करना 40 शहीदों का सवाब मिलता है। तो आप बताइए और आपकी जिंदगी में एक नुमाया तब्दीली भी आएगी, ना सिर्फ आपकी जिंदगी में आएगी, आपके घर वालों की जिंदगी में आएगी, आपके पड़ोसियों में आएगी, और फिर बिरादरान इस्लाम तक ये बात जाएगी। तो तब्दीली लाना बहुत जरूरी है, इनकलाब लाना बहुत जरूरी है, और वह इनकलाब सिर्फ सीरत पर अमल से ही मुमकिन है।